यूपीएससी मेंस आंसर लिखना अब हो गया है बहुत ही आसान, बिकॉज मैं आपके सामने हर हफ्ते लेके आता हूँ दो मेंस के आंसर्स, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं और क्या एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए ऑफ अ यूपीएससी मेंस आंसर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष मिश्रा एंड आई विल बी योर मेंटोर फॉर यूपीएससी GS2 मेंस एग्जाम, एंड इन दिस सेशन आई विल ब्रिंग टू यू वन मोर क्वेश्चंस एंड उस क्वेश्चन का आंसर फ्रॉम द 2020 पेपर। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन, बट बिफोर वी बिगिन, इफ यू आर कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस दिस बेल आइकन सो दैट यू कैन रिसीव नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल द लेटेस्ट वीडियोस एंड ऑल्सो अबाउट द कोर्सेज। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन गाइज इज फ्रॉम द गवर्नेंस पार्ट, इज फ्रॉम द गवर्नेंस पार्ट ऑफ GS2 पेपर ऑफ कोर्स फ्रॉम द ईयर 2020, 2020 का क्वेश्चन है, 10 मार्कर क्वेश्चन था ये। ओके, नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी इज अ क्रूशियल ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, इन दिस कॉन्टेक्स्ट सजेस्ट रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विसेज फॉर स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। किसी भी देश की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का क्रूशियल ड्राइवर होता है वहां के इंस्टीट्यूशंस की क्वालिटी, वहां के इंस्टीट्यूशनल की एफिशिएंसी, वहां के इंस्टीट्यूशनल की अच्छी परफॉर्मेंस, और इसी स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हमें रिफॉर्म्स सजेस्ट करने हैं इन सिविल सर्विसेज फॉर स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी। सो गाइज, दैट इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपने ARC सेकेंड ARC की रिपोर्ट पढ़ रखी है, देन यू कैन इजिली आंसर दिस क्वेश्चन। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है, वी हैव टू गो एंड आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स। सो विच आर द कीवर्ड्स हियर? नंबर वन कीवर्ड इज द इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी, मतलब हम बात करेंगे कि किसी क्वालिटी, किसी इंस्टीट्यूशन की जो क्वालिटी है उसका क्या इम्पैक्ट होता है ऑन द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। देन हम डायरेक्टली कूद जाएंगे किसके ऊपर? सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के ऊपर। एंड ऑफ कोर्स एक बात आपको दिमाग में रखनी है व्हाइल राइटिंग द बॉडी ऑफ दिस आंसर, व्हाइल राइटिंग द बॉडी ऑफ दिस आंसर यू नोट, यू डोंट, यू सिर्फ, आपको ऐसा नहीं लिखना है कि सिर्फ रिफॉर्म्स लिखने हैं। अब उन रिफॉर्म्स की क्या जरूरत है? व्हाट इज द नीड ऑफ दैट रिफॉर्म्स? व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ दोज रिफॉर्म्स? यू हैव टू मेंशन दैट आल्सो, व्हिच मींस यू हैव टू राइट सम चैलेंजेस, यू हैव टू राइट सम चैलेंजेस और इश्यूज दैट आर बीइंग फेस्ड बाय द सिविल सर्विस इन आवर कंट्री। ओके, देन ओनली योर रिफॉर्म्स विल बी जस्टिफाइड। उसके पहले अगर आप सिर्फ रिफॉर्म्स लिख देंगे, देन योर रिफॉर्म्स विल नॉट बी जस्टिफाइड, बिकॉज अगर आपने इश्यूज और चैलेंजेस नहीं बताए, देन हम रिफॉर्म्स का क्या करेंगे? ओके, सो आई होप द कीवर्ड्स आर क्लियर। इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी की बात करेंगे हम कि इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी, हाउ इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस बेसिकली कैन बी द क्रूशियल ड्राइवर फॉर द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री, एंड देन वी विल मूव अहेड टू द सिविल सर्विस रिफॉर्म्स पार्ट। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं? इंट्रोडक्शन में मैंने आपको पहले भी बताया था व्हाट वी डू, वी जनरली डिफाइन द टर्म्स दैट इज बीइंग मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, और वी यू नो वी टेल द एग्जामिनर अबाउट एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज बीइंग मेंशन्ड, वी टेल द एग्जामिनर अबाउट एनी पर्टिकुलर यू नो टर्म कि जिसके बारे में उस क्वेश्चन में गिवन है। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, सिविल सर्विस, तीन चीजों के बारे में गिवन है। तो पहले हम ये बताएंगे, फर्स्ट वी विल टेल द एग्जामिनर कि देखो इस तरीके से दिस इज हाउ द इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, एंड देन वी विल कनेक्ट द सिविल सर्विस इंस्टीट्यूशन विद दिस। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ एनी कंट्री इज मार्क्ड बाय द एफिशिएंसी ऑफ इट्स वेरियस इंस्टीट्यूशन। ओके, तो ये हमने बहुत सिंपल सी लाइन लिखी, बट अब इस सिंपल सी लाइन को हमें सपोर्ट करना पड़ेगा विद ऑफ कोर्स सम एग्जांपल्स। वी हैव टू राइट द एविडेंस बेस्ड आंसर्स, राइट? फॉर एग्जांपल, वी ऑल नो द परफॉर्मेंस ऑफ रूरल इकोनॉमी लार्जली डिपेंड्स ऑन द पंचायती राज सिस्टम्स। इफ द पंचायती राज सिस्टम्स आर इफेक्टिव, देन ओनली द परफॉर्मेंस ऑफ रूरल इकोनॉमी कैन बी बेटर। फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल डिपेंड्स ऑन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ कोर्स। इफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर नॉट गुड, हाउ कैन वन एक्सपेक्ट द you know better human capital? Then socio-economic development of the vulnerable depends on the efficiency of bureaucracy, because it is the bureaucracy that it is the civil servants that have the crucial role in the implementation of schemes for the vulnerables, and unka kafi bada role hota hai in the socio-economic development. Aur agar socio-economic development hoga vulnerable ka, then only the economic performance will be better. Okay, so these are some of the examples on how economic performance is marked by the efficiency of institutions of a country. And now we have to connect with the civil services also, because this question revolve around the civil service only. So in a democracy, quality of institution determines how efficiently government adheres to the rule of law, public services and social justice.
सो एक डेमोक्रेसी में जो इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी है, किसी भी इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी, वो ये बताएगी कि गवर्नमेंट कितना रूल ऑफ लॉ फॉलो कर रहा है, कितना पब्लिक सर्विसेज को फॉलो कर रहा है, कितना सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है। एंड इसी तरीके का एक इंस्टीट्यूशन है सिविल सर्विस, विच वी ऑल नो प्लेज अ की रोल इन द स्ट्रेंथनिंग ऑफ गवर्नेंस एंड हेंस डेमोक्रेसी बाय एक्टिंग एज द लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स। सरकार और सिटीजन्स के बीच का लिंक होता है सिविल सर्वेंट्स, वी ऑल नो, एंड वो सिविल सर्वेंट्स ही हैं जो कि इफेक्टिव गवर्नेंस और डेमोक्रेसी को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और इस तरीके का आप डायग्राम भी बना सकते हैं, यू कैन सी हियर दिस डायग्राम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इफ देयर विल बी रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विसेज द गवर्नेंस विल बी इफेक्टिव, एंड इफ द गवर्नेंस इज इफेक्टिव देन डेफिनेटली द डेमोक्रेसी विल बी स्ट्रेंथन। ओके, सो इस तरीके का डायग्राम भी आप यूज कर सकते हैं वाइल इंट्रोड्यूसिंग, और बॉडी में भी यूज कर सकते हैं, देयर इज नॉट एन इशू। सो आई होप गाइस इंट्रोडक्शन इज क्लियर। नाउ इंट्रोडक्शन में व्हाट वी हैव डन, वी हैव यूज्ड द टर्म इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी, वी हैव यूज्ड द टर्म इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, एंड देन वी हैव लिंक्ड द इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड सिविल सर्विसेज टुगेदर। हमने तीनों को एक साथ जोड़ दिया है, तो हमने बता दिया है कि यस, हमने इंट्रोडक्शन में तीनों चीजों को जोड़ दिया है एग्जामिनर को। अब हम जाएंगे स्पेसिफिक बात पे जो कि क्वेश्चन का कोर पार्ट है, वी विल टॉक अबाउट दैट इन द बॉडी। एंड व्हाट इज द कोर पार्ट, द सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स फॉर स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई टोल्ड यू, यू हैव टू मेंशन व्हाट आर द इश्यूज, व्हाट आर द इश्यूज इन सिविल सर्विसेज फॉर दैट रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड। जब तक आप रिफॉर्म्स इश्यूज नहीं लिखोगे, चैलेंजेस नहीं लिखोगे, तो रिफॉर्म्स किस काम के, रिफॉर्म्स आप लिख रहे हो बट किस चीज के लिए लिख रहे हो, दैट यू हैव टू मेंशन ऑल्सो। ऑलराइट, सो इश्यूज इन सिविल सर्विसेज के लिए सेकंड एआरसी रिपोर्ट में काफी ज्यादा अच्छे तरीके से दे रखा है। सो एज पर दी सेकंड एआरसी रिपोर्ट, दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस दैट आर बीइंग फेस्ड बाय दी सिविल सर्विसेज इन आर कंट्री। नंबर वन इज द एसिमेट्री ऑफ पावर। सो गाइज, वी ऑल नो देर इज एन इम्बैलेंस इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर इन द गवर्नेंस ऑफ आर कंट्री। लाइक फॉर एग्जाम्पल, देर आर नीडलेस कॉम्प्लेक्सिटीज, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है हमारा, जो हेरारिकल स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं वो इनएफिशिएंट हो रहे हैं। सो देर इज एन एसिमेट्री ऑफ पावर एंड देर इज अ नीड टू सम काइंड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन विच गिव्स मोर पावर टू द सिविल सर्वेंट्स सो दैट दे कैन ऑल्सो परफॉर्म देयर फंक्शंस यू नो एफिशिएंटली। देन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इज देयर, सो वी ऑल नो दिस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यू नो काफी टाइम से हमारे सिविल सर्वेंट्स और ब्यूरोक्रेसी में है। सो इसका काफी बड़ा इम्पैक्ट होता है सिविल सर्वेंट्स की एफिशिएंसी के ऊपर। देन टॉकिंग अबाउट द सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, सो देर इज अ लैक ऑफ सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन एज कोटेड बाय सेकंड एआरसी इन इट्स रिपोर्ट। सो सिटीजन की जो वेल बींग है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। देन देर इज अनदर इशू विच इज द लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, देर इज नो अकाउंटेबिलिटी इन द टर्म्स ऑफ यू नो इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द सिविल सर्वेंट्स, एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म ऑफ अकाउंटेबिलिटी आर इनएडिक्वेट विच लीड्स टू द इनएफिशिएंसी इन सम एडमिनिस्ट्रेटर्स, बिकॉज उनको पता है कि उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो वो फ्री रहेंगे अपना काम करने के लिए या ना करने के लिए। अगर वो काम नहीं करते हैं ढंग से, एफिशिएंटली काम नहीं करते हैं, देन देयर इज नो मैकेनिज्म फॉर सेटिंग आउट द अकाउंटेबिलिटी। ओके, सो अकाउंटेबिलिटी होना काफी ज्यादा जरूरी है। देन वी हैव सम स्ट्रक्चरल इशूज, सो वी ऑल नो इन द वेक ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स द रोल ऑफ स्टेट हैज नाउ बीन चेंज्ड। जो स्टेट का रोल है वो चेंज हो चुका है, सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू चेंज द रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी ना, देन ओनली वी कैन यू नो जो लिंक है बिटवीन द स्टेट एंड द ब्यूरोक्रेसी, वो जो लिंक है वो लिंक तभी सक्सेसफुल हो पाएगा व्हेन देयर आर डिफाइंड रोल्स एंड व्हेन देयर आर यू नो जो अपडेटेड रोल्स हैं अकॉर्डिंग टू द ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वो रहेंगे, तभी जो सिविल सर्वेंट्स है वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, देन बुकिश ब्यूरोक्रेसी इज फॉलोड बाय मेनी ब्यूरोक्रेट्स, दे फॉलो द रूल्स एंड लॉज ऑफ द बुक विदाउट टेकिंग केयर द एक्चुअल नीड्स ऑफ द पीपल। जो ग्राउंड लेवल पे नीड्स है उनको कंसिडर ना करते हुए जनरली जो कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं वो केवल रूल्स और जो बुक्स के लॉज है वो फॉलो करते हैं, जो कि डेफिनेटली उनका पर्पज सर्व नहीं करता। देन देर इज एन अपोजिशन टू द लेटरल एंट्री। सो गाइज, वी ऑल नो दैट कुछ पोजिशंस पे वी नीड सम स्पेशलाइज ऑफिसर, और इन स्पेशलाइज्ड ऑफिसर के लिए हमें लेटरल एंट्री की जरूरत है, एंड विद इन द सिविल सर्विसेज देयर इज अ हार्श अपोजिशन टू दिस लेटरल एंट्री, एंड दिस हैज बीन कोटेड बाय सेकंड एआरसी, एंड रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल आल्सो कोटेड दिस दैट जो ये लेटरल एंट्री है उसकी अपोजिशन को हमें खत्म करना पड़ेगा, हमें स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स की जरूरत है इन सम सेक्टर्स एंड देयर
वी आर गोइंग टू रिक्रूट ऑफिसर्स थ्रू द लेटरल एंट्री. ओके, सो गाइज दीज आर सम ऑफ द इश्यूज दैट हैव बीन मेंशन्ड अंडर द सेकेंड एआरसी रिपोर्ट. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिफॉर्म्स दैट हैव बीन सजेस्टेड. सो क्या क्या रिफॉर्म्स अभी तक गवर्नमेंट ने किए हैं, हम उसकी भी थोड़ी बहुत बात कर लेंगे इसमें. एंड देन वी विल मूव ऑन टू द रिफॉर्म्स क्या क्या किए जा सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन डन बाई द गवर्नमेंट टू रिफॉर्म टू मेक अ टू bring a reform in the civil service. Like for example, they have introduced a multi-stakeholder feedback performance evaluation. Number two, dispensing the interviews for lower level positions. We all know lower level positions ke liye interview jo hai wo ab khatam ho chuke hain. Online mechanism for appraisal and filing of various return by employees. Then implementation of e-office. E-office jo office hai uske jitne bhi paperwork hai wo electronically hote hain, thereby eliminating the corruption within the civil servants. एंड स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग्स एंड मेरिट बेस्ड पोस्टिंग. सो ये कुछ रिफॉर्म्स है जो कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ले लिए हैं, जो कि जो स्टेप्स है जो गवर्नमेंट ऑलरेडी ले चुकी है. नाउ देर आर सम रिफॉर्म्स दैट हैव बीन सजेस्टेड बाय नीति आयोग. नीति आयोग ने कुछ रिफॉर्म्स सजेस्ट किए हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं. सो वी ऑल नो नीति आयोग हैज अ डॉक्यूमेंट विच इज नोन एज न्यू इंडिया एक्ट 75. एंड इन दैट डॉक्यूमेंट नीति आयोग हैज सजेस्टेड सम ऑफ द रिफॉर्म्स. एंड दे हैव सजेस्टेड द रिफॉर्म्स in civil services in three areas. And which are these three areas? These are recruitment, training and evaluation and governance. Teen areas mein unhone bataya hai ki in teen areas mein civil services mein reforms ki zarurat hai. So let's talk about one by one. Number one is recruitment. So they said that there is a need to promote an officer oriented culture, and then we have to focus on expanding the number of officers. Number two, they have said that there is a huge number of civil services at the center and state, and that should be decreased through rationalization and harmonization. Pura jo janjal bana hua hai civil services ka, usko hame kam karna padega. Then they have suggested that the upper age limit for the civil services should be brought down to 27 years for the general candidates by the financial year 2023. Then there is a need to outsource the service delivery, and for that we have to identify some public private partnership projects. And then inducting specialist at higher level of government will provide much needed expertise. वही जो कि हमें lateral entry के through government ने अब लगभग शुरू कर दिया है. Okay, so this is about the recruitment. And then talking about the second parameter, that is the training and evaluation. So Niti Aayog suggested that there is a need of reorientation of training methods to meet the job outcome oriented goals. जो goals हैं वो job outcome oriented होने चाहिए. Then introducing mid-career training modules for all the services. शुरू में ही training देना is not enough. There is a need कि हम किसी civil servants को जब वो mid-career में है तो उसको फिर दोबारा से training दे, ताकि जो भी changing environment है of the country या of the economy उसके साथ वो match कर सके. Introduction of SPARO, which is Smart Performance Appraisal Report Recording Online Window Template in all the state and central cadres. And then compulsory retirement for underperforming officers. एक parameter होना चाहिए कि ये measure किया जा सके कि कौन सा officer अच्छा perform कर रहा है और कौन सा officer underperform कर रहा है. So उसके हिसाब से we have to produce this compulsory retirement provisions for the underperforming officers, जो कि ऐसे officer जो कि एक लंबे समय तक underperforming रहे हैं, उनको compulsory retirement लेना चाहिए. Then talking about the third part, that is the governance. So a citizen centric framework needs to be developed, because bureaucracy ka matlab hi hai citizen centric. Agar wo citizen centric nahi hai, then bureaucracy ka koi matlab nahi hai. Introduce an appropriate systems of checks and balances so that the accountability can be there. Ensure probity in governance. Then strengthen the implementation of CP grants. Every department should simplify the processes to cut the administrative delays. We all know kitna zyada हैस्टी प्रोसेस होता है. इफ वी गो टू एनी डिपार्टमेंट, एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज की वजह से जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं हो पाता है. सो वी हैव टू कट डाउन दीज एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज. एंड इंप्रूविंग ट्रांसपेरेंसी ऑफ कोर्स इन प्लेसमेंट थ्रू इनिशिएटिव्स इन रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग. सो गाइज दीज आर सम ऑफ द रिफॉर्म्स दैट हैव बीन सजेस्टेड बाय द नीति आयोग. एंड आई थिंक इतने रिफॉर्म्स काफी हैं, इससे ज्यादा रिफॉर्म्स देने की आपको जरूरत नहीं है. एंड रिमेंबर ये जो आंसर है ये काफी लंबा हो चुका है, बिकॉज मैंने इसमें ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स ले लिए हैं. बट इन द एग्जाम इतना लंबा आंसर आपको नहीं लिखना है, बिकॉज इट इज जस्ट 10 मार्क का क्वेश्चन. यू हैव टू कीप इन माइंड द वर्ड लिमिट्स ऑल्सो एंड ऑल्सो द टाइम, बिकॉज 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं तो 20 क्वेश्चन में अगर हम एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें डाल देंगे तो ऑफकोर्स इट इज नॉट अ गुड डिसीजन.
क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलेंगे इसमें, अगर हम कितना भी अच्छा लिख देंगे तो 7 से 8, 7 या 8 से ज्यादा नहीं मिलने वाले। तो हम एक ही आंसर के पीछे जो है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही आंसर में हमने सारा का सारा टाइम वेस्ट कर दिया, सारी की सारी एनर्जी वेस्ट कर दी। हमें हर आंसर को बैलेंस वे में लिखना है। लाइक इसमें मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ पॉइंट्स एंड राइट नाउ वी आर नॉट राइटिंग द आंसर इन द एग्जाम, वी आर जस्ट यू नो अभी हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं कि किस तरीके से हम एक आंसर लिख सकते हैं। तो अभी हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ लेंगे तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द कंक्लूजन, नाउ लेट्स मूव अहेड टू द कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना होता है। कंक्लूजन में यू जस्ट हैव टू समराइज, आइदर यू हैव टू समराइज और यू हैव टू गिव सम सजेशंस। जो भी आपने लिखा है उसका समरी दे दो, उसको समराइज कर दो, या फिर अपनी तरफ से कुछ सजेशन दे दो अगर आपने कोई लूप होल्स उसमें बताए हैं। तो यहाँ पे तो एक छोटा सा समरी बनता है। सो सिविल सर्विस वी ऑल नो इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस। इट प्लेज इट्स रोल स्टार्टिंग फ्रॉम डिजाइनिंग ऑफ अ पॉलिसी टिल इट्स इम्प्लीमेंटेशन, फ्रॉम ग्राउंड लेवल वर्क टू फॉरेन डिप्लोमेसी, फ्रॉम इंट्रोड्यूसिंग रिफॉर्म्स फॉर गवर्नेंस टू इंश्योरिंग गुड गवर्नेंस। सो देर आर वेरियस रोल्स दैट हैव बीन प्लेड बाय द सिविल सर्विसेज इन आवर कंट्री। सो हेंस इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी एंड इंश्योरिंग गुड गवर्नेंस देर इज एन अर्जेंट नीड ऑफ रिफॉर्मिंग द सिविल सर्विसेज एज पर द प्रेजेंट डे चैलेंजेस। सो कंक्लूजन में देखिए हमने ज्यादा कुछ नहीं लिखा है और ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है। कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन में हमें ज्यादा कुछ लिखना नहीं होता। इंट्रोडक्शन में जस्ट हमें डिफाइन करना है कि कौन से वर्ड्स उसमें कीवर्ड्स हैं, उसके बारे में 2-4-5 लाइनें लिख दो, एंड देन कंक्लूजन में जो भी चीज आपने लिखी है उसको समराइज कर दो। तो हमने क्या लिखा है, रिफॉर्म्स की जरूरत है, इशूज है, तो हमने लिख दिया कि हाँ जी, हेंस देर इज अ नीड टू रिफॉर्म द सिविल सर्विसेज एज पर द प्रेजेंट डे चैलेंजेस। और चैलेंजेस हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हैं। ओके, सो गाइज आई होप आपको ये आंसर क्लियर है और किस तरीके से एक आंसर लिखा जाता है, इस आंसर को हमें किस तरीके से बेटर लिखना था वो भी क्लियर है। एंड दैट्स इट फॉर द सेशन। आई होप आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं। एंड इफ यू आर लाइकिंग द सेशंस देन डू शेयर दीज सेशंस विद योर फ्रेंड्स दैट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन, दे कैन ऑल्सो वॉच एंड दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिट थ्रू दीज सेशंस। एंड नाउ मिलते हैं कल के सेशन में। देर विल बी वन मोर सेशन टुमारो एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल ब्रिंग टू यू टू सेशंस, सैटरडे एंड संडे। दोनों दिन सेशंस होंगे, सैटरडे भी होगा संडे भी होगा, और एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।